नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चपलक पर। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे पीटेट काउंसलिंग 2000 पीस के बारे में। जहां दोस्तों बी ए बी एड तथा बी एस सी बी एड 4 वर्षीय कोर्स, साथ ही बी एड 2 वर्षीय कोर्स, इन दोनों की काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑन गोइंग है। और एक बार फिर से बी ए बी एड तथा बी एस सी बी एड 4 वर्षीय कोर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक बार फिर से उनके लिए प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का लिंक आ चुका है। आगे का क्या प्रोसेस रहेगा संपूर्ण जानकारी आज की स्टूडियो में आपको दी जाएगी, साथ ही बी एड 2 ईयर वालों को भी आगे की संपूर्ण प्रोसेस की जानकारी इस वीडियो दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिले चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देता हूं आगे की संपूर्ण जानकारी। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आप बीएड पीटेट या फिर रीट इससे संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स बात करते हैं अगर अपडेट की, तो फ्रेंड्स जैसे ही आप 4 ईयर के यहां पे लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और यहां पे 4 ईयर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए कि एक बार फिर से उनके लिए प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का लिंक एक्टिव हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहां पर वेटिंग लिस्ट का नाम कहीं पर भी नहीं दिया है, दैट्स मीन यहां पर जो सीटों का आवंटन हुआ है वो बिल्कुल फ्री सीटों का आवंटन हुआ है, किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह पर आपको अलॉटमेंट नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि भाई पीछे कुछ ना कुछ सीटें रिक्त थी जिन पर अलॉटमेंट दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं किस प्रकार से आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपको इस बार कॉलेज मिला या नहीं। तो सिंपली आपको अगर आप बी ए बी एड के स्टूडेंट हैं तो यहां पे क्लिक करना है, अगर आप बी एस सी बी एड के स्टूडेंट हैं तो नीचे के प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देन फ्रेंड्स आपको यहां पर अपना रोल नंबर, उसके बाद यहां पर अपना काउंसलिंग आईडी और उसके बाद यहां पर डेट ऑफ बर्थ फिल करते हुए यहां पर आपको पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें आपका काउंसलिंग आईडी आपके रिजल्ट में आपके मार्क्स के ऊपर लिखा देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली इस लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहां पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपको महाविद्यालय आवंटित हुआ है तो आपके आवंटित महाविद्यालय का नाम यहां पर और साथ ही उसका एड्रेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके जस्ट नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको यहां पर अपनी 12th की मार्कशीट, साथ ही अपना सेल्फ डिक्लेरेशन और साथ ही अपना एक सेल्फी, और उसके बाद यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और साथ ही अगर आप इनमें से किसी सब कैटेगरी में आते हैं तो उस सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और अपना पेमेंट करना है। जैसे ही आप यहां पर पेमेंट करते हैं आपके सामने अपने अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको इसका प्रिंटआउट ले लेना है। ध्यान रखना है आपका जो नया सेल्फी है वो आपको यहाँ पे शो होगा और साथ ही जो आपने फॉर्म भरते समय अपना पिक दिया था वो आपको यहाँ पे शो होगा। इतना सब करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपनी संबंधित कॉलेज में जो भी आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको कॉल करना है और उनसे बोलना है कि आपने इसके आधे से ज़्यादा प्रोसेस को कर दिया है, यानी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, साथ ही आपने फीस भी जमा करवा दिए, कृपया वह कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर आपका एडमिशन कन्फर्म करें। कॉलेज द्वारा जो समय आपको बताया जाता है कि भाई इतने समय में आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उस समय के बाद आपको यहाँ पे चेक एडमिशन स्टेटस पर आकर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर, उसके बाद काउंसलिंग सीरियल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हुए लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपके सामने 2 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। एक परिस्थिति तो ये कि आपके कॉलेज ने अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं किया है तो उस समय आपको वेट करना है, और अन्यथा अगर आपका कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेता है और अगर उन्होंने आपके एडमिशन को कंफर्म कर दिया है तो आपको यहाँ पर अपनी प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो होगी। इस प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो होने का मतलब है कि आपका एडमिशन उस संबंधित कॉलेज में बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, अब आगे आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि 4 ईयर के लिए क्या अब भी यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों जवाब उसका ये है कि नहीं, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि है भाई 100% आपके लिए अपवर्ड का ऑप्शन आएगा ही आएगा, कोई निश्चित नहीं है। 99% मैं कह सकता हूँ कि भाई अपवर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा। इतना मैंने आपको ज़रूर बताया था कि हो सकता है आपके लिए एक नई लिस्ट आएगी जो कि आपके लिए यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है। देन फाइनली फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपकी डेट्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रवेश के लिए शुल्क जमा करवा सकते हैं 13/1/2021 से, यानी कल शाम से ही
15/1/2021 तक यानी कल शाम 12 बजे तक, और उसके बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की आपकी डेट 16/1/2021 मध्यरात्रि 12 बजे तक रखी गई है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या यहाँ पे एक नई लिस्ट और आएगी, तो फ्रेंड्स इस बारे में भी मैं आपको बता दूं कि भाई 99% इसके बाद में आपकी कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके लिए पीटीएट की ओर से शायद 8वीं या 9वीं लिस्ट हैं। यही इतनी बार अलॉटमेंट पहली बार हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हुआ है। पता नहीं इतना बार कैसे यहाँ पे लिस्ट दे रहा है पीटीएट, लेकिन अब यहाँ पे ये आपके लिए 99% नई लिस्ट नहीं आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बीएड दोवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए। तो फ्रेंड्स बीएड दो वर्षीय पाठ्यक्रम वालों को मैं यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपने कहा था सर आप झूठ बोलते हैं, भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आपकी जो सीट्स है ना उसकी 1/4 सीट्स बीए बीएड तथा पीएससी बीएड कोर्स में है, और जब इसकी 8-8, 9-9 लिस्ट जारी होती है तो आपकी निश्चित रूप से यहाँ पर अभी लास्ट चांस का जो ऑप्शन है वो एक्टिव किया जाएगा। उसके बाद आपके लिए अपडेट यही थी कि आपके 2 ईयर के सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, और आपको यहाँ पे रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक एक्टिव दिया गया है, ये करीब 2-3 दिन पहले दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि भाई आपने उसमें कोई गलती तो नहीं कर रखी है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो एडमिशन ले चुके हैं और ऐसे सभी विद्यार्थी जो नए लिस्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे करेक्शन पैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से चेक कर लिया तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ करेक्शन पैनल पर जाकर अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। साथ ही भाई 4 ईयर वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, तो निश्चित रूप से अब कुछ ही घंटों बाद आपके लिए भी एक नई खुशखबरी, नया अपडेट आ जाएगा। तो भाई बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, जो बोला है वो होके रहेगा और 100% होके रहेगा। एक अंतिम चांस का नोटिफिकेशन बीएड दोवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पे मिडिल के सेक्शन में आएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे करेक्शन पैनल का ऑप्शन भी दिया जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पे इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है, आपको यहाँ पे फील कॉलेज चॉइस का ऑप्शन, साथ ही 5,000 रुपये भर के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, और साथ ही कॉलेज चॉइस अपडेट का ऑप्शन, और साथ ही कॉलेज चॉइस लॉक का ऑप्शन दिया जाएगा। और उसी के साथ फ्रेंड्स एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ है कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में पहले तो अंतिम चांस का यानी लास्ट चांस का मौका मिला था, और उसके बाद में उसकी एक लिस्ट जारी की गई थी जो कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर प्लस वेटिंग लिस्ट थी, और अभी यहाँ पे एक नई लिस्ट आई है जो कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर की है। मतलब साफ और स्पष्ट है कि भाई बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी आपके अंतिम चांस का प्रिंट अलॉटमेंट लेटर तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद भी अगर सीटें खाली होती हैं तो आपके यहाँ पर एक नई लिस्ट और आएगी। यानी अभी यहाँ पे संभावना ये भी है कि एक लिस्ट आने के बाद एक और नई लिस्ट आएगी, बाकी एक और नई लिस्ट का तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं कह सकते, पर 100% श्योर हूँ कि अंतिम चांस का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, करेक्शन का ऑप्शन आएगा, फील कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आएगा, और एक अंतिम लिस्ट आपके लिए 100% यहाँ पर आएगी। मैं पता करने की कोशिश करता हूं कि आपके बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कितनी सीटें रिक्त हैं, और बहुत ही जल्द वीडियो के माध्यम से आपको इसकी अपडेट देता हूं, तो वेट कीजिए इसका, हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक मैं इस बारे में आपको जानकारी दे दूं। बाकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, जो टेंशन ले रहे हो ना कि सर अब कुछ नहीं होने वाला है, अब उसने मना कर दिया है, उस ई मित्र वाले ने ये कह दिया है, तो ये बिल्कुल आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई कॉलेज मिलना नहीं मिलना ये आपकी किस्मत की बात है, बाकी एक अंतिम चांस यहाँ पे निश्चित रूप से आएगा, और उनके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी 22,000 रुपये जमा करवा रखे हैं, और 22,000 रुपये जमा करवाने के बाद किसी न किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उनका एडमिशन रुक गया था, तो 100% उनको तो कॉलेज मिलना निश्चित है, और उसी के साथ नए विद्यार्थियों को भी कॉलेज अलॉटमेंट उस लिस्ट के अंतर्गत होगा यदि वे अपनी कॉलेज चॉइस को यहाँ पे अच्छे से फील करते हैं। देन फ्रेंड्स 4 ईयर वाले कल शाम 12 बजे तक अपना फीस या डॉक्यूमेंट का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करें, और साथ ही परसों शाम तक अपने कॉलेज में कॉल करके जब तक आपको चेक एडमिशन स्टेटस में आपकी प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो नहीं हो जाती तब तक हार नहीं माने, यानी अपनी कोशिश को जारी रखें और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करें। बाकी फ्रेंड्स बीएड 2 ईयर के लिए जैसे इसका कोई अपडेट आता है आपको मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित करता हूं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करो भाई, लाइक में कंजूसी करते हो ना तो फिर ये पीटीएट भी अपनी देरी करता है, तो आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतना जल्दी आपका यहाँ पर अपडेट आएगा, ये मेरा दिल बोलता है कि भाई ऐसा होगा,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सपोर्ट मारो, भगवान आपको सपोर्ट मारेगा। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।